जहां एक ओर देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में उतर आए हैं और बता रहे हैं कि इस प्रकार के कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाने वाली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह आज धार पहुंचे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। इस कानून को लेकर विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है, चाहे जो लोग भारत में घुसपैठ कर जाते हैं, शरण ले लेते हैं, उनको रोकने के लिए इस प्रकार का कानून जरूरी है। भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ आकर चाहे जो शरणार्थी बन जाए। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में 3 तलाक, धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तरह था, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह ही तूल दे रहा है, जो कि बहुत गलत और निंदनीय है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री उषा ठाकुर, वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजबरफा, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धार से संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। धार के प्रेस क्लब के मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है, आज मैं धार पे नागरिकता संशोधन कानून और उस कानून को विषय को लेकर आपके बीच धार आया हूँ, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्मस्थली पे, और हमारे सभी यहाँ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और केंद्र में अटल जी की सरकार में मंत्री रहे विक्रम वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष नीना जी, रंजना जी और सभी हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ आज नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विषय को लेकर जो देश में गलतफहमियां फैलाई जा रही है और उसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने 5 तारीख को इस अभियान की शुरुआत की और पूरे हिंदुस्तान के सभी राजधानियों में और हिंदुस्तान के सभी जिलों में इस प्रकार से व्यापक अभियान, कहीं प्रेस के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के वहाँ सम्मेलन ग्रुप मीटिंग के माध्यम से और बड़ी रैली के माध्यम से, जैसे 16 तारीख को धार में भी एक सर्वदलीय एक रैली निकल के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में कार्यक्रम होगा, ऐसे ही सभी नेताओं को अलग अलग जवाबदारी दी गई है, उसी जवाबदारी के तहत मुझे आज यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पद के शपथ जब लेता है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में रखकर किस देश के संविधान की शपथ लेता है, संविधान के अनुसार मैं आचरण करूँगा, संविधान के विपरीत कुछ काम नहीं करूँगा। नागरिकता देने का कानून हिंदुस्तान के केंद्रीय सरकार के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यदि कानून बनाया है तो किसी राज्य को उस कानून को मंजूर ना करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार कहीं भी नागरिकता नहीं दे सकता, केंद्र सरकार को ही नागरिकता देना है, राज्य सरकार कोई कानून बना नहीं सकता, इसलिए किसी को गलतफहमी रहना नहीं चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।